नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक वाइस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान चिकित्सा विभाग के अपडेट क्या निकल के आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, टोटल आपके आठ विभाग जो है, आठ विभाग की भर्ती कोर्ट में चली गई है। तो आप सबको मन में बेचैनी छाती है कि क्या कहीं भर्ती निरस्त ना हो जाए, कोर्ट का स्टे कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए कि भर्ती बहुत दूर चली जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोगों की भर्ती की प्रक्रियाएँ पूरी की पूरी चल रही है। सुरेश कुमार नवल जी ने आज जो बात बताई है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, राजस्थान चिकित्सा कर्मी से जितनी भी जानकारी आएंगी सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, फार्मासिस्ट वाले भाई कमेंट करके पूछ रहे थे सर क्या प्रोविजनल लिस्ट के बारे में, क्या फार्मासिस्ट का प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, फार्मासिस्ट का प्रोविजनल लिस्ट बहुत जल्द जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उस पर काम चला है, यूँ कहे तो एक या दो दिन में जो है आप सबके पूरे के पूरे काम प्रोविजन लिस्ट का फार्मासिस्ट वाले भाइयों का हो जाएगा। और दोस्तों बात आती है कि क्या आप सबकी फाइल चुनाव आयोग के पास गई है। हाँ भाई, आप सबकी फाइल चुनाव आयोग के पास चली गई है। अब बहुत जल्द जो है चुनाव आयोग जो है अपना आदेश जारी करेगा। और बात आती है दोस्तों, अंतिम सूची कब तक जारी होगी, चिकित्सक विभाग की जो नियुक्ति की अंतिम सूची है तो उसको लेकर के सारे कार्यकर्ता जो हैं दोस्तों पूरी जी जाम लगा दिए हैं, पूरी की पूरी संभव प्रयास कर रहे हैं कि आप सबका जो है अंतिम सूची 2023 में ही जारी करा दिया जाए। पूरा का पूरा प्रयास लगाए हुए हैं। नवल कुमार जी ने कहा है आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हंसी खुशी दशहरा दिवाली मनाइए और आप लोगों का जो है नियुक्ति 101% नियुक्ति होगी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नियुक्ति में अगर सरकार चेंज भी हो जाती है तो भी आप लोगों की नियुक्ति पूरी की पूरी प्रक्रियाएं होंगी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग धैर्य बना कर के रहिए दोस्तों, बस इंतज़ार करिए, बस 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। यूँ कहते हैं दोस्तों फरवरी मार्च तक आप लोगों को नियुक्तियाँ मिल जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।